This is automatic, but not rapid. तो मैनुअल पैन फेल ओवर ही मोस्टली रिकमेंडेड है कि इसे यूज किया जाए. This is there, but first of all, automatic failover is not an option for a two-node deployment. जिसके पास है ही दो nodes total, उसके पास तीसरी है ही नहीं ना. उन दो nodes पे pan तो लाजमी मौजूद होगी. तो जब pan होगी तो pan अपने साथ health check node नहीं आने देगी. तो तीसरी node तो है ही नहीं दो node वाले setup में. तो इसका मतलब ये है कि automatic failover आप करेंगे तो कम से कम आप दो से ज्यादा वाली नोड वाले सिनेरियो में करेंगे. और अगर आप ये कर भी लेंगे तो इट इज सो स्लो कि ये 20 मिनट लेगा बैकअप नोड को प्रमोट करने में. तो आपके पास ऑटोमेटिक वे से सेकेंडरी को प्राइमरी में प्रमोट करने का तरीका तो आ गया है, लेकिन गुई किस आईपी से खुलेगी? क्या आईपी भी जंप होके इधर आएगा या नहीं? क्या IP.171 ही रहेगा जो कि यहां माइग्रेट हो जाएगा? हेल्थ चेक नोड उस आईपी को इधर ले आएगी. सर ये तो कोई गोस्ट आईपी स्टाइल का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये नहीं होगा. जैसे हमने पहले डिस्कस किया था 171.171 से होगा एक्सेसिबल, और 181 अगर प्रमोट हो जाता है तो वो उससे होगा. एब्सोल्युटली. तो आप देखिए, अगर ऑटोमेटिक प्रमोशन हो भी जाती है, अगर ऑटोमेटिक प्रमोशन हो भी जाती है तो फिर भी आपको ये सरप्राइज आएगा कि आप 171 को हिट करेंगे. आपको तो नहीं पता ना कि वहां पे फेल ओवर हो गया है. आप 171 को हिट कर रहे होंगे, जैसे ही आप 171 को हिट करेंगे आपको वही मैसेज आएगा, रिक्वेस्ट टाइम डाउट और स्टफ लाइक दैट. अब आप खुद से बींग एडमिनिस्ट्रेटर, आपको ये डिसीजन करना है कि मुझे अब .181 की गुई खोलनी है. आपने ही मैन्युअली उसको हिट करना है. हाँ, लेकिन उस 1.181 की गुई को फुल फ्लेज एनेबलमेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना. यू विल जस्ट कीप ऑन एक्सेसिंग द गुई एंड आफ्टर सम टाइम दैट गुई विल बी एनेबल्ड प्रमोटेड बाय अ हेल्थ चेक नोड. तो अब मुझे ये बताइए कि ऑटोमेटिक, जैसा भी ऑटोमेटिक है हमने कर लिया, उसके पीछे एक तीसरी नोड की कॉस्ट भी है, उसके पीछे एक टाइम लैग भी है, और फिर भी गुई जो खोलनी है वो हम ही ने .181 को हिट करना है. इसको मजीद सीमलेस करने का कोई तरीका? तो गुई में ऐसी कोई फीचर ही नहीं है जो मुझे उस आईपी को .171 को .181 पर ले आने में मदद करे. कोई फीचर नहीं है. ओके, फाइन. अगर होगा तो वो बात दुरुस्त है कि फिर हम कोई प्रोब लिख लेंगे जो पिंग करती रहेगी या पोर्ट देखती रहेगी और फिर जाकर वो दूसरी पर ट्रिगर कर देगी. चलो अगर सिस्को ने नहीं दिया तो हम कर लेंगे, बट थिंग इज कि उसमें तो एहलियत ही नहीं है .171 को लेकर के आने की. आईस उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा. नहीं, मतलब इट्स द ओनली वे आउट इज करके .181 का आईपी चेंज कर दें. हाँ, ये ऑटोमेट करते हैं. हाँ, ओके, फाइन. और वो रिकमेंडेड नहीं है. बिल्कुल. आप कितनी दफा उसको स्विच ओवर करते रहेंगे? जी, यू नो के सिस्को में आईपी बदल देना किसी ऐसी डिवाइस का बाद में कितना दर्द सर मिलता है. बिल्कुल. डिपेंडेंसीज बहुत ज्यादा होती हैं. अच्छा, अब हम आते हैं जरा, ये जो हमने चीजें प्लॉट की हैं, अच्छा है हमने मैक्सिमम सोच ली है. DNS अदनान की तरफ से आया था, और DNS का जो मेरा वर्डिक्ट है वो ये है कि DNS में आप ये कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आप लिख दें ice.ictrainings.local, आप ये एक FQDN बना लें और इसके नीचे आप IPs दे दें 192.168.1.171 भी और 192.168.181 भी. अब जब आप ice.ictrainings.local को हिट करेंगे, वो DNS कभी आपको 171 देगा, कभी वो आपको 181 देगा. इसका मतलब ये है, क्योंकि ये राउंड रॉबिन चलता है, तो इसका मतलब ये है कि आप कभी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी 181 पर लैंड हो जाया करेंगे. लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब आप अपने जोन में दो आईपी दे छोड़ेंगे
171 और 181, और मान लीजिए फेल ओवर नहीं हुआ, थिंग्स लाइफ इज सेलिंग स्मूथ, तो क्या होगा? जब वो ice.ict ट्रेनिंग को हिट करेगा तो उसको 171 मिल गया, तो जैकपॉट लग गया, वो सही वाली गुई पे चला गया। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी ऐसा हो सकता है कि .181 मिल जाए और वो ऐसी गुई पे लैंड कर जाए जो आगे से फुल फीचर्ड नहीं है। F5, 100% F5 मेक सेंस। F5 में आप क्या कर सकते हैं कि हाँ, उसमें वो कॉस्ट वाला पॉइंट आप लोगों ने ठीक पिक किया हुआ है कि अगर F5 सिर्फ इतने से काम के लिए खरीदना हो तो शायद कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन अगर कहीं लगा हुआ है तो आप उससे ये सर्विस ले सकते हैं। तो हमारे पास दो आइस नोड्स हैं, एक 171 है, एक 181 है, ये एक लैन में लगी हुई है। यहाँ पे हमारे पास एक नेटवर्क लोड बैलेंसर है, जरूरी नहीं है वो F5 हो, आप ओपन सोर्स भी पकड़ सकते हैं, और इधर आपका रेस्ट ऑफ द नेटवर्क है जिसके ऊपर एडमिन बैठा हुआ है। सो एनीथिंग दैट कैन बैलेंस हिट्स, दिस इज नॉट रियली, वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट एज अ लोड बैलेंसर, बिकॉज लोड बैलेंसर क्या करता है कि आपको यहां पर एक वर्चुअल आईपी मिल जाएगा। मान लीजिए वो आईपी है 192.168.1.191, लेट्स अज्यूम ये आईपी है। अब ice.ict ट्रेनिंग्स डॉट लोकल, ये हमेशा रिजॉल्व हम करा देंगे इस पर, अब लोड बैलेंसर का जो टिपिकल रोल है वो तो लोड बैलेंस करना है ना, कि कभी इस आईपी पर आई हुई हिट को वो इधर फेंक दे, कभी इधर फेंक दे, कभी इधर फेंक दे, कभी इधर फेंक दे। अब ये लोड बैलेंस वो 50-50 करा दे या वो 30-40 करा दे, 30-70 करा दे, ये तो वेटेड आप कर सकते हैं। अगर मैं लोड बैलेंसर को इस तरह यूज करूंगा तो मैं फिर खसारे में हूं, ये तो वही डीएनएस वाली बात बन गई। सर, तो उसका ये जो मॉनिटर है उसको आप HTTP या HTTPS की सर्विस पे रखें ना, उसको ICP रीचेबिलिटी पे ना रखें। जब तक HTTP HTTPS वो रीचेबल रहेगा तब तक वो रहेगा, लेकिन स्टिल उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि आपको दोनों रीचेबल आ रहे होंगे। अब इसमें अगर मैं प्रोब बनाता हूं कोई, और वो प्रोब किसी HTTPS पोर्ट को देख रही है, और फिर एक प्रोब मैं बनाता हूं जो इसको देख रही है, वो इसकी 443 पोर्ट को सेंस कर रही है और उस 443 पोर्ट के ऊपर वो नजर रखे हुए है। तो अगर उसको इधर से पोर्ट अप मिलती है तो वो हमेशा ट्रैफिक पहले इधर ही भेजेगा, और अगर ये पोर्ट उसको नहीं मिलती तो तब वो ट्रैफिक को इधर भेजना शुरू कर देगा। यानी हम कह सकते हैं ना कि यू यू शुड गिव दिस वन प्रायोरिटी, हमेशा जो भी इस वेब के ऊपर ट्रैफिक आए अगर ये प्रोब अप है तो इधर ही जानी चाहिए, पर अगर ये प्रोब डाउन है, ऑब्वियसली जब पैन नहीं होगी तो ये प्रोब डाउन हो जाएगी। इफ दिस प्रोब इज डाउन, प्रोब इज जस्ट अ कीप अलाइव, तो फिर दिस प्रोब विल टेक ओवर एंड एनी हिट कमिंग ऑन 191 विल बी शिफ्टेड टू 181 बिहाइंड द सीन्स। सो दिस इज नॉट लोड बैलेंसिंग, दिस इज काइंड ऑफ अ फेल ओवर कॉन्फिग्रेशन सिनेरियो, ये फॉल्ट टॉलरेंस एनेबल कर रहे हैं हम। इज दैट ओके? परफेक्ट। सो दिस इज देयर, ये पॉसिबल है। अच्छा जी, आगे आपने ये बातें की, ये क्या है? ट्रैकिंग क्या है?
यहाँ पे अब मैं किस जगह पे ट्रैकिंग लगा सकता हूं? मेरे पास ये बॉक्स मैं हटा देता हूं, यहां पे मैं कोई आईओएस राउटर रख दूं और उससे ट्रैकिंग करूंगा। आईपी एसएलए जो आईओएस का है उसमें आप टीसीपी पोर्ट को प्रोब कर सकते हैं, और बल्कि अगर अदनान इस बात को कंफर्म करें तो आईपी एसएलए के जरिए तो आप इवन वॉइस की क्वालिटी को भी एक पूरे रूट के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। यू कैन सिमुलेट वॉइस ट्रैफिक थ्रू एन आईपी एसएलए ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, एंड इफ द मीन ओपिनियन स्कोर गोज डाउन द आईपी एसएलए और द ट्रैक विल गो डाउन। अब क्या करें, आईपी एसएलए तो है, अब करें क्या आगे? एक प्रोब आपने 181 आईपी पे लगानी है उसकी 443 पे, एक प्रोब 171 आईपी की 443 पे लगानी है, और उनका वेट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। 171 का 443 रीचेबल नहीं है, ये भी सेंस हो जाएगा। 181 का 443 रीचेबल नहीं है, ये भी सेंस हो जाएगा, क्योंकि हम दो अलग अलग प्रोब कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट्स बनाएंगे ना, दो इंडिविजुअल ट्रैक्स बनाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, ये तो हम बना लेंगे लेकिन आगे क्या करना है? ट्रैकिंग एसएलए तो ठीक है, वो बन जाएगी, वो अप डाउन भी हो रही होगी। 171 गोज डाउन तो वो बताएगी अपना आपके 171 डाउन है, 181 गोज डाउन तो वो बताएगी अपना आप 181 इज डाउन। इस पर डिसीजन कैसे करना है, आगे इसको किस टूल के साथ जोड़ना है? देखिए, पॉलिसी राउटिंग सोर्स आईपी की बेस पे चलती है, और जो एडमिन है वो डेस्टिनेशन आईपी को हिट कर रहा है। एडमिन को आपने बताना है कि उसने किस आईपी पे हिट करना है। एडमिन .191 को हिट करेगा और वो आगे 171 या 181 बन जाएगा जैसा लोड बैलेंसर में हुआ था, फिर तो कोई कहानी समझ आती है। लेकिन अगर एडमिन को अभी भी यही बताना है कि भाई आपने 171 को हिट करना है या वो ना मिले तो 181 को करना है, तो फिर इस एसएलए का क्या रोल है अंदर? देखिए, राउट में किस चीज का डालूंगा, मेरी जो नोड्स हैं दे आर ऑन .171 एंड .181, दे आर लिसनिंग ऑन दीज टू आईपीस, एंड टू टॉक टू देम आई हैव दीज टू आईपीस। नाउ आई नीड टू टेल माय एडमिन कि या 171 को हिट करो या 181 को हिट करो या किसी तीसरे आईपी को हिट करो। अगर तो वो 171 और 181 को ही हिट करेगा तो इस एसएलए का कोई फायदा नहीं दरमियान में। वी नीड अ थर्ड आईपी इन एनी केस, ये तो बात तय हो गई। तीसरा आईपी कोई हो जो इन दोनों का अलमबरदार बने, ये बात तो जरूरी है, इसके बगैर नहीं होना ये। हाँ, अब वो तीसरा आईपी जो है, और वो तीसरा आईपी पीछे कब 171 बन जाए, कब 181 बन जाए, उसकी इंटेलिजेंस एसएलए दे सकता है। सही, लेकिन अभी भी कहीं डिस्कनेक्ट है कि इस तीसरे आईपी को मैं किस फीचर सेट के जरिए इस एसएलए के साथ जम करूंगा। तो उसका मैं आपको एक आंसर देने लगा हूं जिसको हम समझ लेंगे। हम हर एक आइस नोड के अंदर एक और लैंड कार्ड ऐड कर सकते हैं। दिस इज ETH 0, हम ETH 1 ऐड कर सकते हैं। और मान लीजिए इस ETH 1 का आईपी हम दे देते हैं 192.168.1.191 ऑन दिस नोड एज वेल एज ऑन दिस नोड, काइंड ऑफ अ लूप बैक। नहीं जोहेब, हार्ट बीट का इसमें कोई हार्ट बीट तो है ना, एसएलए हार्ट बीट ही है, लेकिन थोड़ा राउटिंग स्विचिंग हमें यहाँ पे उसमें थोड़ा प्ले अराउंड करना पड़ेगा। तो हम कह ये रहे हैं कि हम अपनी आईस की नोड इसमें एक लैन कार्ड ऐड करेंगे जो फिजिकली नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, और इसके ऊपर हम एक आईपी दे लेते हैं 191, इसके ऊपर भी हम एक आईपी दे लेते हैं 191। बोथ ऑफ दीज आईपीज आर सेम, देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड टू एनी ब्रॉडकास्ट डोमेन एट ऑल, they are locally significant. Now what we will do, we can say IP root 192.168.1.191
1.191 ये अब हम इस राउटर में ऐड कर रहे हैं, और उसकी नेक्स्ट हॉप हम क्या दे देते हैं 192.168.1.171 कि वो इससे रीचेबल है। एज एन एग्जांपल इसको इस पे पुश कर दिया, और इसके आगे हम ट्रैक लगा लेंगे या इसके साथ हम आईपी एसएलए बंद कर लेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एसएलए। एंड इफ दिस एसएलए गोज डाउन, जो कि हार्ट बीट कर रहा है 171 को, इफ दिस एसएलए गोज डाउन वी विल बी हैविंग अनदर रूट, आईपी रूट 192.168.1.171 which will be pointing on 191, sorry, which will be pointing on 192.168.1.181, यानी कि इस तरफ पॉइंट करेगा एक और रूट, और इस रूट के साथ जो हम SLA कनेक्ट करेंगे वो SLA वो वाली प्रोब होगी जो इसकी पोर्ट पर नजर रखे हुए है, और इसका अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 10 कर दूं AD इस रूट का, और इस रूट का AD मैं 20 कर दूं, तो ऑब्वियसली लेसर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस रूट विल ऑलवेज ओवरराइड। Now what will happen is my admin will hit on 192.168.1.191, वो packet route होता हुआ इस router पे आएगा, इस router का routing table देखेगा कि 192.168.1.191 किधर है, अगर तो ये वाली probe आप है तो इसका static route चल पड़ेगा और वो packet इधर push हो जाएंगे, लिहाजा ICE की GUI इस LAN card के जरिए खुल जाएगी, और अगर ये SLA ने feel किया कि ये node up नहीं है तो एडमिन उसी आईपी को हिट करेगा, लेकिन राउटर इस दफा रूट इधर कर देगा और इस लैन कार्ड के जरिए यहां से कोई खुल जाएगी। तो ये पहले तो ये बताइए कि ये पॉइंट अंडरस्टैंडेबल है। ओके, अब ये है कि इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये आइस ने हमारे लिए कुछ किया है, ये तो हमारी रेसिपी है, this has no link with ICE, this is our recipe clubbed with the feature of adding a LAN card in ICE, we can achieve this, so this can be selected। ये इसकी थोड़ी सी elaboration थी कि करना कैसे है, ये बात बिल्कुल हो सकती है लेकिन करनी कैसे हमने उसकी discussion की। secondary IP और IP relay because we are already late, इसका कोई कनेक्शन नहीं बनता, इट डज नॉट रिलेट टू द रिक्वायरमेंट विच वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि हमारी नोड्स की आईपी डिफरेंट है, तो जब नोड्स की आईपी डिफरेंट है तो उनको लाना क्रक्स वही है कि उनको एक आईपी पर लाना है, कॉमन आईपी पर, तो वो कॉमन आईपी पर लाना या लोड बैलेंसर से पॉसिबल है या नोड्स के ऊपर हम कोई लैंड कार्ड एड कर लें तो उससे पॉसिबल है। Is that okay? जी बिल्कुल, सेकेंडरी आईपी और आईपी रिले इस फंक्शन में कॉल ही नहीं हो सकते इस रिक्वायरमेंट के लिए। बस एक चीज है कि डीएनएस के अंदर जब हम वो प्रोब की बात कर रहे थे तो बेसिकली हम उसमें पोर्ट्स को डिफाइन कर रहे थे 443 या इस किस्म की, तो फिर मैं उसी को दोबारा रिकॉल करूंगा कि जब हम उसको डिफाइन कर रहे होते हैं उसमें सर्विस रिकॉर्ड्स वगैरह जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर जाके हम पोर्ट्स वगैरह भी डिफाइन करते हैं, तो क्या हम पोर्ट्स और पोर्ट नंबर और वेट दोनों चीजें उसके अंदर कॉल होती हैं, तो क्या हम काइंड ऑफ प्रोब उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं फिर? देखिए उसके लिए हमें ये देखना होगा कि हमारा जब ब्राउजर डीएनएस को रिजॉल्व करता है तो क्या वो सर्विस रिकॉर्ड रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट भेजता है या वो ए रिकॉर्ड रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट भेजता है। As far as I remember, ये जो browsers हैं, ये A record resolution request भेजते हैं। जब आप service record resolution request भेजते हैं ना, तो आप उसका clue भेजते हैं DNS request में।
और वो यूजुअली एप्लीकेशंस भेजती हैं जिन्होंने किसी पोर्ट पे कनेक्ट होना हो, जिस तरह एक्टिव डायरेक्टरी यूज करती है सर्विस रिकॉर्ड्स। जी जी सही है। बट ब्राउजर्स यूजुअली दे क्वेरी, इट्स अ बेसिक्स डीएनएस क्वेरी विद नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू लुक इनटू सर्विस रिकॉर्ड्स। सो डीएनएस ऑलवेज रिप्लाइज बैक फ्रॉम ए रिकॉर्ड पूल। ठीक है जी, तो आज हमने जितनी डिस्कशन की है वो सारी की सारी हाई अवेलेबिलिटी पर थी, और अभी तक हमने कंक्लूड किया है अपने पैन पर्सोना को कि उसमें हाई अवेलेबिलिटी कैसे है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट एमएनडी में ये कैसे होगा, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट पीएसएन में रिडंडेंसी कैसे होगी, बिकॉज दैट इज मच नीडेड रिडंडेंसी, इजंट इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।